सर, आपने आपके सर पास इतना हम आपका डॉग्स देखे हैं, इतना सुंदर आप मेंटेन कर रहे हो, उसका फार बोलो सारा कुछ जो है, तो ये मेंटेन करने के लिए आप सर क्या क्या सप्लीमेंट या मेडिसिन आप प्रोवाइड करते हो अपने बच्चों को? सप्लीमेंट से पहले अनिल जी, जो बेसिक केयर है, जो बेसिक न्यूट्रिशन है, जो फूड से मिलना चाहिए, और जैसे कि मैं फोकस हमेशा से करता हूँ टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर में आप अपने डॉग्स को रखते हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। उसके बाद सप्लीमेंट्स आता है। तो जो भी 4 डॉग्स होते हैं, हम नॉर्मली हफ्ते में, हफ्ता 7-8 डेज में एक बार उनको बाथ प्रॉपर शैम्पू से, जो आज हम लोग है उड़ीसा भुवनेश्वर पे, और भुवनेश्वर पे डॉक्टर राहुल दास के पास आज है, और डॉक्टर राहुल दास बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर है, बट ये जो टॉय फॉर्म के साथ जो काम कर रहे हैं सर, एक शौक है। और सर, आप पर्टिकुलर डॉग लवर कब से हो सर? बचपन से, जब बचपन में मुझे याद है, जब स्कूल में थे, फादर हमेशा से पेट्स बहुत पसंद करते थे, डॉग्स खास करके बहुत पसंद करते थे। तो मुझे याद है स्कूल के दिनों में पापा एक जर्मन स्पिच बच्चा लेके आए थे, स्टैंडर्ड 2 के स्टैंडर्ड 3 में मैं था, तो तब से बहुत ज़्यादा डॉग्स के ऊपर अफेक्शन आना शुरू हुआ, और तब से आप बोल सकते हैं कि डॉग लवर बन गए हैं। अच्छा, तो सर आप जब डॉग लवर से एक प्रोफेशनल डॉग ब्रीडिंग में जब एंट्री किए, वो जर्नी सर कैसा हुआ है? वो जर्नी प्लान्ड तो बिल्कुल नहीं था, अभी कुछ साल पहले तक तो प्लान्ड मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, कोई करने का, कोई ऐसा, तो जो प्रोफेशन है मेरा मेडिकल डॉक्टर, वो बहुत डिमांडिंग और टैक्सिंग है, तो कभी प्लान नहीं था कि डॉग ब्रीडिंग में आना है, कि टाइम दे पाऊँगा। बस एक पोमरानियन जो इम्पोर्ट किया था, उसके बाद से ही ये इच्छा हुआ कि ये ब्रीड के लिए कुछ किया जाए, और ये ब्रीड को कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए ये ब्रीड के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि देखा इंडिया में स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ पोम्स हर जगह सेम नहीं है, तो ये क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए और बेहतर करने के लिए एक इच्छा हुआ कि क्यों ना अच्छा अच्छा ब्लड लाइन्स इंडिया में इम्पोर्ट करके एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। अच्छा, तो सर पर्टिकुलर ये पोमेडियन चुनने का कोई कॉज सर यही था क्या, और कुछ अलग कॉज है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब पहले पापा ने गिफ्ट किया था स्पिट्ज, तो स्पिट्ज छोटा ब्रीड था, तो बेड डॉग सोफा में, बेड में, जिसके पास भी छोटा ब्रीड रहता है, आप जानते हैं कि वो पास में कभी भी पकड़ लेता है, कभी कहीं पर जाता है तो लेके जाता है, गाड़ी में भी लेके आदमी जा सकता है। तो तब से एक इंटरेस्ट था कि नहीं, छोटा ब्रीड और इससे छोटा ब्रीड क्या है। तो जब वैक्सीनेशन के लिए वेटनेरियन के पास जाते थे, तब आपको याद होगा एक पेडिग्री का चार्ट, डॉग का चार्ट, जिसमें ब्रीड्स लिखा रहता था, नाम लिखा रहता था, तो उसमें बहुत सुंदर लगता था एक ब्रीड जो पोमरानियन करके मेंशन था। बट वो असल में बहुत मुझे इंटरेस्ट भी था ये कहाँ पे मिलता है, क्योंकि पोमरानियन बोलने से तब लोगों को लगता था एक जर्मन स्पिट्ज जो है पोमरानियन वही है। तो मुझे भी एक इंटरेस्ट था कि मुझे प्रॉपर पोमरानियन कहाँ पे देखने को मिलेगा कभी, और कहाँ मुझे प्रॉपर पोमरानियन कभी जिंदगी में मिल सकता है, मैं कभी ले सकता हूँ। एक बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि बहुत छोटा ब्रीड है जी, जी, कॉम्पैक्ट ब्रीड है जी। और जो व्यूअर आप ये वीडियो देख रहे हो, आज डॉक्टर राहुल दास को हम एक्सपोज करेंगे, इसीलिए क्योंकि जो लोग पिछले 10-15 साल से पर्टिकुलर ये फील्ड में है, वो लोग इतना मशहूर हो नहीं पाए, लेकिन डॉक्टर राहुल दास बहुत कम दिनों में एक अच्छा रैंकिंग पोजीशन में चल गए सर। ये सीक्रेट सर क्या है, ये कुछ सर जड़ी बूटी का कुछ असर है या कुछ मेडिसिन है? ये आपका बड़प्पन है कि आप ये दर्जा मुझे दे रहे हैं, ऐसा असलियत में लोगों का प्यार और सबका आशीर्वाद है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस लोग प्यार करते हैं, और एक ऑनेस्ट कोशिश है कि जितना ऑनेस्टी ब्रीड को लेके बरकरार रखा जा सके, उतना मैं ज़रूर रखता हूँ, अभी रखता आ रहा हूँ और आगे भी रखता जाऊँगा जी। मान लो सर, एक्चुअली मेरा मैं एक समझो हमको, तो अगर मेरे को अगर ब्रीड नॉलेज नहीं है,
ठीक है, तो डॉक्टर राहुल दास से पब्लिक क्यों बच्चा लेगा? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसको ब्रीड के बारे में नॉलेज नहीं है, फर्स्ट मैं एक अपना ब्रीडिंग के बारे में बताता हूँ। जो भी अपना होम ब्रीडिंग लिटिल लग्जरी पोमरेनियन जो हमारा केनल प्रीफिक्स है, जो केनल नेम है, तो जो भी हमसे पोम बच्चा लेने के लिए आता है कि कोई इंक्वायरी आता है, हम हमेशा बोलते हैं 100 डेज पहले हम कभी भी अपना बच्चा, कोई भी सो होम हो गया कि पेटम हो गया, हम कभी प्लेस नहीं करते हैं। मिनिमम 100 डेज के बाद, 100 डेज और 100 डेज बियॉन्ड, उससे पहले, क्योंकि मैं कभी उससे पहले बता नहीं पाऊंगा कि ये पेट क्वालिटी जाएगा, ये सो क्वालिटी जाएगा, ये, क्योंकि आपको भी पता है 50-60 डेज में 95% कंट्री में बच्चा दे देते हैं सो क्वालिटी प्रॉमिस करके। बट जबकि वर्ल्ड का बेस्ट पोमरेनियन ब्रीडर्स में जो गिने जाते हैं, उनको भी आप पूछेंगे 4 मंथ्स से पहले वो बोल नहीं पाएंगे कि वो पेट क्वालिटी है कि सो क्वालिटी है। जी सर, इंडिया में सर KCI FCI का ब्रीड स्टैंडर्ड फॉलो करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एज पर FCI ब्रीड स्टैंडर्ड जी, पोमेडियन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? देखिए, जो बेसिक और वाइटल पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल ब्रीड के हिसाब से जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, इरेक्ट ईयर सेट, इरेक्ट ईयर सेट और आई ईयर प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, जो इसमें आप देख सकते हैं, और शॉर्ट बैक इज ए मस्ट टू मेंटेन द ब्रीड स्टैंडर्ड। टेल सेट, हाई टेल सेट FCI के हिसाब से मस्ट है, और हमेशा एक पोम को शॉर्ट बैक, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और मेरा ब्रीडिंग में खास करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। और हमेशा एक चीज़ मैं आपको स्टैक करके बता देता हूँ, ये मेरा चैम्पियन फीमेल है, देखिए इसमें समझाने से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें देखिए, टेल हेड में टच हो रहा है, तो हाई टेल सेट जी, और एनाटॉमी में देखिए, आई ईयर प्लेसमेंट, आई ईयर प्लेसमेंट जो बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमेशा एक पोम में डबल कोट, हार्स कोट, किसी किसी में उली कोट आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें देखिए प्रॉपर हार्स कोट। तो उली कोट सर एक्सेप्टेबल है क्या? एक्सेप्ट, देखिए, अगर आप प्रॉपर सो क्वालिटी, सो टाइप पोमरेनियंस अगर बोलेंगे तो FCI सोज में वो तो बेसिक क्राइटेरियाज जो मैं आपको बोला, आई ईयर प्लेसमेंट, स्नाउट जो बोलते हैं फॉक्सी एक्सप्रेशन जी जी, और हार्स कोट, ये सब चीज बेसिक्स है। तो जो भी FCI जज, KCI जज हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से प्लेस करते हैं डॉग्स को। और जैसे कि उली कोट आपने बोला, तो थोड़ा सा सोज में चलना मुश्किल है। अच्छा, एज अ पेट आप रख सकते हैं, बट प्रॉपर सो डॉग आप नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली यही सर पैरामीटर्स है जो आपका FCI स्टैंडर्ड मेंटेन करने जी, के लिए। बेसिकली आप देखेंगे जो शॉर्ट बैक है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक, 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 एक सर्कल में, एक स्क्वायर में जो पोम है, इसका हमेशा ऐसा स्लोप होना है। ऐसा स्लोप होना है जी जी, तो एनाटॉमी उस हिसाब से होना है कि एक सर्कल में वो फिट कर जाए। अच्छा, मेरा जो खुद का जो प्रेफरेंस है और खुद का जो एक्सेसमेंट है, द पोमरेनियन शुड ऑलवेज बी ए कॉम्पैक्ट, नॉट, मुझे पर्सनली थोड़ा सा ह्यूज, बहुत बड़े टाइप के पोमरेनियंस पसंद नहीं है, तो मेरा जो ब्रीडिंग है, मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज में मैं प्रेफर करता हूँ। नॉर्मली क्या रहता है, एक बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछा, इंडिया में नॉर्मल बहुत कोई क्या प्रेफर करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत छोटा मेल बहुत अच्छा मेल यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा फीमेल यूज़ करते हैं, क्योंकि रहता है कि बड़ा फीमेल यूज़ करने से लिटर साइज बड़ा रहता है और कॉम्प्लिकेशंस फीमेल को नहीं होता है, सी सेक्शन नहीं होता है फीमेल का, और फीमेल का लिटर साइज़ बड़ा रहता है, वो ऐसा बोला जाता है। बट ये कभी मैं ये बात को सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से मेरा पकड़ हमेशा बना रहे, ये मेरा कोशिश रहेगा। तो मेरा मेल का साइज जो रहता है हल्का बड़ा, कि वही सेम साइज का मेरा फीमेल का भी साइज रहता है। अच्छा, क्योंकि मुझे साइज में अपना पकड़ बनाना है। मेरे हिसाब से पोमरेनियंस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं लगने चाहिए, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है जी जी। और सर पोमेडियन का कलर लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारा डाउट है, प्रॉपर जो ऑथेंटिक पोमेडियन है उसमें कोई मल्टी कलर हो सकता है, मतलब कोई कलर मतलब दूसरा कलर का पैच हो सकता है क्या? देखिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी बात आपने पूछा, तो उसमें भी गाइडलाइंस हैं।
एफसीए के हिसाब से गाइडलाइंस है, जैसे कि ब्लैक एंड टैन एक्सेप्टेबल कलर है, नहीं तो सॉलिड कलर्स जैसे कि ऑरेंज हुए, ब्लैक हुए, वाइट हुए, नहीं तो अगर आप पैच बोलेंगे तो वो फिर डिपेंड करता है कितना परसेंट है, क्योंकि पार्टी कलर जो है दैट इज अप्रूव्ड बाई एफसीआई और पार्टी कलर पोम्स आप सो भी कर सकते हैं, बट उसका प्रोपोर्शन वो फुलफिल करना चाहिए। मान लीजिए पूरा ऑरेंज है, एक वाइट हल्का सा पैच आ गया, तो वो आप वो प्रॉपर शो टाइप नहीं बोल सकते, मतलब शो टाइप मतलब ऐसे आप रख सकते हो, बट शो टाइप बिल्कुल 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 उसका डेफिनेशन शो टाइप नहीं आया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसको बोला जाता है पेट टाइप पोमरानियन। और सर पर्टिकुलर कलर, कलर लेके बहुत सारा सर बहुत कुछ है, तो सर कलर क्या 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 देखने को मिलता है इंडिया में? पहले इंडिया में वैरायटीज नहीं थे, पहले इंडिया में ज्यादातर आप भी देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ, ऑरेंज जिसको हम बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं गोल्डन, तो प्रॉपर कलर हम डिफाइन करते हैं ऑरेंज, तो ऑरेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था और ब्लैक्स भी देखने को मिलता था। बट अभी क्रेज़ हाल ही में कुछ सालों से बहुत ज़्यादा, आपको भी पता होगा, इंक्वायरीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वाइट्स के, वाइट्स हैं, क्रीम्स हैं, तो थोड़ा लाइट कलर पर ज़्यादा सा अभी फोकस है, बट हमेशा सॉलिड कलर्स जो थे ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, ये कलर्स हमेशा रहेंगे जी। और लोग सर जो आम इंसान है वो कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए जो एक पॉम रहेगा, मतलब जो ओरिजिनल एक पॉम रहेगा, अच्छा क्वालिटी का रहेगा, उसका प्राइस आपका मोर देन 50,000 रहता है। बिल्कुल, इन जनरल मैं बात बोल रहा हूँ, मैं बीआई डॉक का बात बोल रहा हूँ, मैं कोई इंपोर्ट का बात ही नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जो लोग मिक्सिंग सेल करता है वो भी पॉम बोल के ही सेल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी तो अभी। इसमें कस्टमर को लगता है कि सर जो ओरिजिनल बेच रहा है वो इतना महंगा बेच रहा है, तो सर कस्टमर को सर कैसे सर उसको आप डिफाइन करोगे? देखिए अभी कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद विंडो शॉपिंग बहुत बढ़ गया है। अभी कपड़ा आप ऑनलाइन ले लो, अभी आप ग्रॉसरी सामान ऑनलाइन ले लो, अभी आप परफ्यूम्स ऑनलाइन ले लो, बट ये जब आप घर के लिए पेट, कोई आप आपको पेट लेना है, पेट चूज कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो आपके साथ 10-15-20 साल रहने वाला है। तो बहुत कोई मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे साथ चीटिंग हो गया, हम यहाँ से पोम लिए थे बट वो पूरा कल्चर निकला, वो पूरा स्पिरिट्स निकला। तो मेरा हमेशा सजेशन है हर किसी से, आप जाइए फादर मदर पेरेंट्स देखिए, बच्चा खुद देखिए, और मिनिमम 3-3 महीने के बाद बच्चा लीजिए, क्योंकि आप भी नील सर बोलेंगे, छोटा छोटा जो स्पिरिट्स का बच्चा भी होता है, 30-35 दिन का जो कल्चर का बच्चा होता है वो सेम दिखता है, वो बहुत क्यूट दिखता है। तो ये नॉर्मली क्या होता है ना, जो रीसेलर्स होते हैं, जो पेट शॉप वाले होते हैं, और जो बैकयार्ड ब्रीडर्स जिनको हम बोला जाता है, तो ये क्या करते हैं, जब बच्चा का आँख खुलता है 45-50 डेज में ये पोम बोल के बेच लेते हैं, और 15,000-20,000 में आप देखेंगे टॉय पोम पॉप्स फॉर सेल। बट लोग जब लेते हैं घर में 2-3 महीना पलने के बाद वो पता चलता है ये तो कोई भी एंगल से पोम नहीं लग रहा है, ये तो कल्चर भी नहीं लग रहा है, ये तो स्पिरिट से खराब दिख रहा है। तो एक्चुअली आप सजेस्ट कर रहे हो ऑथेंटिक डीलर से लेना चाहिए? ऑथेंटिक देखिए केनल क्लब ऑफ इंडिया तो है ही, आप पहले पता करिए कौन जेन्युइन ब्रीडर है, कौन पोम ब्रीडिंग करता है, कौन रीसेलिंग करता है, ये तो सबको पता है। मैंने अभी आपके पास इतना तो सुविधा है कि आपका लोकल किसी ऑफिस में जाके पता करिए कौन हमारे स्टेट में, कि हमारे आसपास कौन जेन्युइन पोम ब्रीडर है, पहली बात। और दूसरी बात हमेशा बोलूँगा कि आप एक दिन के लिए, अभी फ्लाइट आप कहीं भी जाइए 1-2 घंटे में पहुंच जाती है, ट्रेन 1-2 दिन में पहुंच जाएगी, आप खुद जाइए, खुद देखिए बच्चा, आपको पसंद आए तो आप लीजिए, ऐसा विंडो शॉपिंग गलत बात है। और सर एक जो प्रॉपर फॉर्म रहेगा उसका जेनेटिक के वजह से, और जो मिक्सिंग रहेगा उसका जेनेटिक में कैरेक्टर वाइज सर क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा? बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अगर मुझे कैरेक्टर पूछेंगे तो ऑफकोर्स जो कल्चर्स होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, वो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल टेम्परामेंट के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मैंने कोई कोई मैं खुद देखा हूँ कि बहुत एग्रेसिव रहते हैं, बाइट भी करते हैं। बिल्कुल बाइट करते हैं, बिल्कुल बाइट करते हैं। जो पोम आपको बाइट, अगर अगर पोमरानियन आपको
जिसको लोग बोलते हैं टॉय पूम, अगर आपको बाइट भी करेगा तो आपको नहीं लगेगा, मतलब वो मतलब ऐसे मजाक में अगर आपको काट भी लेगा तो आपको लगेगा ही नहीं। अच्छा। जो 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 प्रॉपर टॉय पोमरेनियन है और जो अच्छा। स्पिट है वो तो पूरा आपका आपको इंजरी हो सकता है। जी 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 जी। और एक तो कहावत है, आप सुने हो कि नहीं पता नहीं है, मतलब ये जो लोग गर्लफ्रेंड नहीं कर पाते हैं वो लोग को बोलते हैं भाई आप टॉय पॉम रख लो क्योंकि इसके नखरे बहुत अलग है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये इसको बोला जाता है अनिल जी, बहुत अच्छी बात आपने बोला, लायन डॉग बोला जाता है। एक आप कोई भी बड़ा ब्रीड देख लीजिए, ये अपने आप को ये समझता है कि मैं एक्चुअली जो इसका जो साइज रहता है ना, ये हमेशा इंटीमेट करता है, मैंने ये कभी अपना साइज पे नहीं जाता, ये सोचता है आई एम ए लायन एट हार्ट। तो ये डोबरमैन आप पकड़ लीजिए, आप रॉटवेलर पकड़ लीजिए, आप मैस्टिव्स पकड़ लीजिए, आप जीएसटीज पकड़ लीजिए, अगर इसको आके इसके सामने कोई भोंकेगा तो ये वापस जाके इनको चाहेगा कि मैं जाके अटैक करूं और भोंकूं। ये पीछे हटने वाला डॉग नहीं है और ये बहुत ज़्यादा नखरा वाला है। ये बहुत इस जो पूम्स रखे हैं ये रिलेट कर पाते होंगे, आपके लैप में सोएंगे और ये सोफे में बैठेंगे, आपके बेड में सोएंगे, जब तक आप बेड में नहीं उठाते हो तो बहुत क्यूट ट्रेट्स इनका है जो करते हैं। तो इट इज़ लाइक हैविंग ए चाइल्ड एट होम। जी। और सर दूसरा जो ब्रीड होता है, जी दूसरा जो ब्रीड होता है जैसे लैब हो गया, रॉट हो गया, अदर्स जो ब्रीड है, तो ये थोड़ा क्या डेलिकेट होता है, मतलब इसका मतलब थोड़ा सा मतलब इसको टेक केयर अच्छे से करना सारा कुछ? तो इसके इसका वजह भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्रीड्स का आपने नाम अभी बोला ये सब टफ ब्रीड्स हैं, ये सब बड़े ब्रीड्स हैं, बट ये जो ब्रीड है नील जी ये मैनमेड ब्रीड है, ये पहले ब्रीड नहीं था। अच्छा। ये एक मैनमेड ब्रीड है। तो इसका वल्नरेबिलिटी, इसका सेंसिटिविटी थोड़ा सा दूसरे ब्रीड्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको अच्छे से इसको मेंटेन करने और सबसे सबसे ज़रूरी चीज़, इसको रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको थोड़ा सा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट ह्यूमिड, आप बाहर इसको बांध नहीं सकते हो, आप इसको घर के टेम्परेचर में रख सकते हो। तो टेम्परेचर बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जब आप टॉय पॉम लेने के लिए कंसिडर करते हैं, नहीं तो बहुत ईजी गोइंग ब्रीड है। तो अपार्टमेंट में आप सिंगल बीएचके में, वन बीएचके में रह रहे हैं तो आप रख सकते हैं, बहुत इजी गोइंग डॉग है, थोड़ा सा टेम्परेचर बिल्कुल ध्यान रखना है। मतलब टफनेस के हिसाब से सर कितना? अगर वेदर मुझे पूछेंगे तो इनको इनको कोल्ड वेदर में रखना चाहिए। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशंस में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तो घर में अगर एसी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत हॉट ह्यूमिड आप बाहर, जैसे कि नॉर्मल ब्रीड्स क्या करते हैं लोग बाहर बांध देते हैं, छत में बांध देते हैं, तो इनको आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट छोटा ब्रीड है। नहीं तो मेंटेनेंस वगैरह इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनका फीडिंग भी आप देखेंगे शायद प्रोबेबली बहुत मैंने बहुत ज़्यादा कम है, इनका फीडिंग क्या बोलूँ मैं, जी दिन में एक की दो बार इनका फीडिंग लगता ही नहीं है हमको कि कभी डॉग फूड खत्म हो गया। जी ठीक है। और सर आपने आपके पास इतना हम आपका डॉग्स देखे हैं, इतना सुंदर आप मेंटेन कर रहे हो, उसका फार बोलो सारा कुछ जो है, तो ये मेंटेन करने के लिए आप सर क्या क्या सप्लीमेंट या मेडिसिन आप प्रोवाइड करते हो अपने बच्चों को? सप्लीमेंट से पहले अनिल जी जो बेसिक केयर है, जो बेसिक न्यूट्रिशन है, जो फूड से मिलना चाहिए, और जैसे कि मैं फोकस हमेशा से करता हूँ टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर में आप अपने डॉग्स को रखते हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। उसके बाद सप्लीमेंट्स आता है। तो जो भी 100 डॉग्स होते हैं हम नॉर्मली हफ्ते में हफ्ता 7-8 डेज में एक बार उनको बाथ प्रॉपर शैम्पू से, जो 100 शैम्पूज़ वगैरह आते हैं जैसे कि सीसी हो गया, प्लस पपी हो गया, उसे हम बात देते हैं, फिर हफ्ते में दो बार ब्रशिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, तो ये मस्त रहता है। उसके साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो ज़रूर हैं, जैसे कि ओमेगा 3-6 हो गया, फिर एल कार्निटाइन सप्लीमेंट्स हो गया, फिर जिंक विटामिन सी हम देते आ रहे हैं, और ग्लूकोसामाइन कॉन्ड्रोइटिन जो ग्रोइंग अप ईयर्स में कैल्शियम के साथ विटामिन डी के साथ तो ज़रूर दिया जाता है 100 डॉग्स को, और नॉर्मल ग्रोइंग अप सेमी एडल्ट्स को भी मैं देता हूँ, कोलेजन वगैरह भी मैं एडल्ट डॉग्स को देना पसंद करता हूँ। जी और सर आपके पास तो बहुत सारे कलर के आपका पॉम है। जी तो सर आप कौन सा कलर का पॉम शो कर चुके हो? मैं अभी तक क्रीम ऑरेंज शो कर चुका हूँ, वाइट
अभी तक इंडिया में प्रॉपर शो नहीं हो पाया कि कोई मेजर विनिंग्स भी इंडिया में नहीं हो पाया आज तक वाइट का, अनफॉर्चुनेटली, जो कि बाहर के देशों में आप देखेंगे वाइट ग्रैंड चैंपियन बन जाता है और एक्सटेंसिवली शो होता है। अब खास करके इंडिया में अभी तक हम नहीं देखे हैं कोई वाइट डॉग को चैंपियन बनते, इंडियन चैंपियन बनते हुए आज तक। तो इसका, इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छा था कि वो अच्छा अच्छा वाइट ब्लड लाइन्स इम्पोर्ट किया जाए। तो फिलहाल मेरे पास अभी वाइट फीमेल्स भी काफ़ी इम्पोर्ट्स हैं और वाइट मेल्स भी काफ़ी इम्पोर्ट्स हैं। तो सर ये जो वाइट दिखा नहीं जाता है इतना दिनों से, वो कोई दूसरे का कोई मजबूरी हो सकता है, कोई दूसरा कारण हो सकता है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपके पास जो है जी, इस साल वो क्या फ्लोरिंग में देखा जाएगा? 100% यही कोशिश है, क्योंकि पहले ब्रीडर्स की भी ये कोशिश थी बट अनफॉर्चुनेटली कोई कारण के वजह से शायद नहीं हो पाया होगा। तो मेरी भी यह अभी कोशिश जारी है कि वाइट्स को जल्द से जल्द शो किया जाए, क्योंकि हमेशा जो ब्रीडर्स, ब्रीडर भाई हैं, जो सीनियर ब्रीडर्स हैं, उनका भी कोशिश था कि हमेशा वाइट को शो किया जाए। तो मेरा भी कोशिश है, तो भगवान करे उनका कि मेरा किसी का तो कोशिश पूरा हो जाए। और भगवान के दया से अभी सब कुछ, आप वाइट बच्चा भी आपको दिखाया तो काफ़ी अच्छा है, भगवान के दया से भी बन रहे हैं। तो उम्मीद है कि सोरिंग्स में बहुत जल्दी हाई लेवल कंपटीशन में भी कम्पीट कर सकते हैं। जी जी। और सर पर्टिकुलर आपने आपने जब बोला ये आपका वाइट के बारे में इतना सारे कुछ आपने बोले हैं, तो सर ये वाइट का जो आपको शो में नहीं ये प्रेजेंट करना, तो यहाँ पे कुछ जजेस का कुछ माइंडसेट यहाँ का कुछ अलग है क्या, और एफसीआई का कुछ अलग सेटिंग है क्या? ये बात मैं सुनता आ रहा हूँ, ये बात आपने मेरे मन की बात छीन लिया। ये बात मैं जब से मैं वाइट का ब्रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, मेरा वाइट एक बहुत पर्सनली मेरा फेवरेट कलर है पोम्स में, क्योंकि प्रॉपर क्वालिटी का वाइट पोम्स अनफॉर्चुनेटली हम नहीं आज तक देखे हैं, जिसका टेल सेट भी अच्छा हो, जिसका बाइट भी अच्छा हो, जिसका एनाटॉमी भी अच्छा हो, हम अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं देख पाए हैं। तो लोग बोलते हैं कि जजेस, इंडियन जजेस, किसी ही जजेस प्रेफर नहीं करते हैं वाइट्स, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक प्रॉपर वाइट शो नहीं किया गया है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इंडियन जजेस पसंद नहीं करते। एफसीआई जजेस तो ऑलरेडी प्लेस करते आ रहे हैं कोरिया में, दूसरे कंट्रीज़ में, रशिया में आप देखते होंगे, यूक्रेन में, रशिया में, कोरिया में, पोलैंड में, ब्राज़ील में वाइट्स ऑलरेडी शो हो रहे हैं और ग्रैंड चैंपियंस और मेजर विनिंग्स भी हासिल किए हैं। इंडियन हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक हम प्रॉपर वाइट शो नहीं किए हैं, तो बिल्कुल ये बोलना गलत होगा कि किसी जजेस वाइट प्रेफर नहीं करते हैं, ये मेरा मानना है। अच्छा, और सर पर्टिकुलर देखा जाए ये जो टॉय फॉर्म होता है तो बहुत ही डेलिकेट होता है, हमने खुद बोला, तो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है जी, तो वो लोगों के लिए क्या ये पर्टिकुलर जो ब्रीड है ये सही है क्या? हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम 4 मंथ्स के, 3.5-4 महीने के बाद ही प्लेस करते हैं पेट की सो होम्स के लिए, तो हम बोलते हैं कि इनिशियली आप थोड़ा सा केयरफुल होइए, आप बेड पे मत लीजिए, सोफे में मत लीजिए, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होता है ना, कूद जाते हैं अपने आप से, तो थोड़ा सा बस देखना है कि क्योंकि बहुत छोटा सा साइज़ भी बहुत छोटा रहता है, आप चलने के टाइम में उसको ट्रैम्पल नहीं, तो उसके ऊपर आपका पैर नहीं रह जाए, तो ये छोटा छोटा चीज़ थोड़ा सा इनिशियली जो भी डॉग लेते हैं 2-3 दिन एडजस्ट करने में, एक न्यू मेंबर जब कि आपके घर में बहुत छोटा है ना, तो थोड़ा सा 3-4 दिन के बाद एक हैबिट बन जाता है। अच्छा, तो इनिशियली थोड़ा सा 2-3 दिन हम बोलते हैं कि आप देखिए और एक ऐसा कोशिश करिए कि एक केज मैट रहना चाहिए, कि रात को कि आप जब भी बाहर हैं, कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैट और केज के अंदर एक घंटा 2 घंटा आपका ट्रैवलिंग के दौरान उसमें रख लीजिए, ताकि वो कुछ घर में पड़ा हुआ कुछ सामान वगैरह ना टच कर सके, ना खा सके, क्योंकि बच्चे थोड़े से हाइपर एक्टिव होते हैं। तो न्यू पेट ओनर्स को ये थोड़ा सा सलाह है कि एक मैट और एक केज रखिए, ताकि आप जब अटेंड नहीं कर पाएंगे अपने डॉग को, उसमें रख लीजिए, फिर आके घर आप खोल दीजिए। और सर पर्टिकुलर ये जो पोमेरियन है जी, इसका सर खान पान आप सर क्या करते हो? फीडिंग हम करते हैं बेसिकली रिकमेंडेड है एक टाइम, बट हम कैलकुलेटेड डोसेज से 2 टाइम करते हैं फीडिंग, और जो बच्चों का हम 3 टाइम करते हैं, और एडल्ट्स का हम 2 टाइम करते हैं, और हफ्ते में एक बार इंटरमीटेंट फास्टिंग करते हैं डॉग्स के, तो 14-15 घंटा फास्ट रहता है हफ्ते में एक बार सिर्फ एडल्ट्स के। अच्छा, तो सर पर्टिकुलर आपके होम फूड पे डिपेंड
करते हो या आपका कोई पैकेट फूड यूज करते हो? अगर अगर इसमें आप पूछेंगे तो मैं यूज करता हूँ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स. मैं होम कुक्ड फूड भी प्रेफर करता हूँ और कभी कभी पैकेज फूड, जैसे कि प्रीमियम पैकेज फूड्स हुआ तो मैं अल्टरनेट करता हूँ. जैसे कि मैं प्रेफर करता हूँ देना राइस, चिकन, बॉयल्ड चिकन, और उसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड करके हम फीड करते हैं. और उसके साथ कभी मान लीजिए कोई 100 डॉग्स है तो थोड़ा सा डॉग फूड में भी, जो प्रीमियम पैकेज डॉग फूड है उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम में होम कुक फूड आप नहीं दे सकते हैं ना. तो जो प्रीमियम रेंज है, जैसे कि NND हो गया, आर्डन रेंज हो गया, रॉयल कैनिन हो गया. तो मतलब आप दोनों फूड ही आपने डॉग को सर मतलब देते हो? कोई ऐसा नहीं, ये नहीं है कि आप मतलब होम फूड या ज़्यादातर प्रेफर करते हैं होम कुक्ड फूड, बट डेफिनेटली पैकेज फूड भी देते हैं प्रीमियम ग्रेड के. तो सर ये जो स्मॉल ब्रीड है इसका पैकेट फूड पे कुछ असर होता है क्या अलग से, या आपका इसका फार पे, इसका जो कोट है कोट पे कुछ असर होता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो पैकेज फूड मैं भी यूज़ कर रहा हूँ उसमें सैल्मन है और सैल्मन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर स्किन. जैसे कि स्किन कोट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. तो मान लीजिए सो के टाइम है तो वो पर्टिकुलर ब्लेंड हम पैकेज फूड का प्रेफर करते हैं जो बेसिकली कोल्ड कंडीशनिंग के लिए भी अच्छा हो. जी 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 जी. और बेसिकली देखा जाए सिडजू के ब्रीडर बोलिए, अच्छा पोमेरियन के ब्रीडर बोलिए, हमेशा हाथ में कंघी रखता है, और जो भी है आपको भी हम देखा ऐसा कंघी हाथ में चलाता रहता है. बिल्कुल. तो सर एक पर्टिकुलर कोई अगर बच्चा रखेगा या आपका इसके पास कोई डॉग है तो उसको ग्रूमिंग का जो पार्ट है, तो एक ग्रूमिंग कैसे सर किया जाए? तो बेसिक अगर ब्रशिंग और ग्रूमिंग बोलेंगे तो बहुत बेसिक केयर लगता है. एक स्लिकर ब्रश रखना है और एक पिन, और एक जो हम बोलते हैं पिन ब्रश, तो दोनों टाइप का ब्रश मैं आपको दिखा देता हूँ अभी. तो दोनों ब्रश हम यूज़ करते हैं. तो मैं प्रेफर करता हूँ वीकली दो से तीन बार ब्रशिंग, मिनिमम 2 से 3 बार ब्रशिंग, ताकि कोट क्वालिटी और कोट मेंटेन रहे. नहीं तो टैंगल्स बन जाते हैं, तो सेटिंग होता है, फिर मुश्किल होता है. एक बार टैंगल्स बन जाए फिर टैंगल्स निकालने में कोट काफ़ी झट जाता है. जी 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 जी. तो सर आपके पास ब्रीडिंग, आपका आपका ब्रीडिंग किया हुआ कितना जेनरेशन चल रहा है अभी? अभी मेरा मैं जैसे कि मैंने बोला कि 2017-18 से मेरा स्टार्ट हुआ, तो अभी थर्ड जनरेशन और एक ही अभी तक फोर्थ जनरेशन डॉग है, बाकी अभी मेरा ज़्यादातर थर्ड जनरेशन चल रहा है. और सर आपके पास कितना इंडियन चैम्पियन आपका हाथ से बना हुआ है? मैं थोड़ा सा नील जी प्रेफर करता हूँ नॉर्मली, अभी जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेल्स शो होते हैं, मैं अपना फीमेल्स को भी शो करता हूँ. तो मेरे घर में जितने भी फीमेल्स आप देख रहे हैं अभी, आप बोलेंगे 70% अभी फीमेल्स ऑलरेडी शो हो चुके हैं, और उनमें से 90% चैम्पियन बन चुके हैं. अभी जो फीमेल्स में लाया था वो सारे चैम्पियंस हैं. अच्छा. और किसी का 1-2 CC बाकी है, जो हम बहुत जल्दी फीमेल्स का भी ऑलमोस्ट जितने भी रिटेंड फीमेल्स है होम ब्रीडिंग सारा का हम कंप्लीट कर देंगे चैम्पियनशिप बहुत जल्दी, खास करके ये अपकमिंग शो सीज़न में. तो पर्टिकुलर मैं एक क्वेश्चन करना भूल गया था, वो अब से कर रहा हूँ. कोई अगर ब्रीडिंग करने के लिए अगर कोई चूज़ करता है, पर्टिकुलर मैं दूसरा ब्रीड का नहीं कर रहा हूँ, ये पोमेरियन का कर रहा हूँ, तो उसको सर मेल चूज करना चाहिए या फीमेल चूज करना चाहिए? ये एक अगवा फैला हुआ है, कब से कौन फैलाया है नहीं पता, कि बहुत अच्छा मेल यूज़ कीजिए, हल्का फीमेल यूज़ कीजिए. तो अगर आपको कोई अच्छा लेना है तो हमेशा मेल अच्छा लीजिए, नॉर्मल की कल्चर फीमेल यूज़ करिए. ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब ब्रीडिंग हमने शुरू किया था तो ये खुद की पर्सनल अनुभव है कि आपका मेल जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा आपका फीमेल इम्पोर्टेंट है. तो हमेशा मैं जो कैनल KCI का गैजेट में भी इंटरव्यू आया था उसमें भी मैं बोला था, ए फीमेल इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए कैनल. तो फीमेल आपका कैनल को बनाता है, तो जितना अच्छा क्वालिटी ब्लडलाइन जनरेशन देख के आप फीमेल लेंगे, आपका कैनल में क्वालिटी बरकरार रहेगा. तो मेल अगर मैं जितना इम्पोर्टेंस मेल को देता हूँ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं फीमेल्स को देता हूँ. तो ब्लड लाइन्स जनरेशन सारा स्टडी करके हम इम्पोर्ट करते हैं. और अगर पूछेंगे जितना फीमेल्स मेरे पास अभी है, मेरे पास अभी 5 के 6 मेरे फीमेल्स ही इम्पोर्ट्स हैं, जो मेरे ब्रीडिंग फीमेल्स हैं. और सर ये लोग जो बोल रहा है एक साइड भारी एक साइड हल्का, अगर हल्का और भारी रहेगा अलग अलग
तो डिसबैलेंस रहेगा, डिसबैलेंस रहेगा, तो उसका ब्रीडिंग भी डिसबैलेंस होगा ना। बिल्कुल। तो अभी जैसे मान लीजिए मेरा अभी लिटर है, बच्चों को अभी 25 दिन के बच्चे हैं, अभी मैं बोल सकता हूँ ये बच्चा जाके कैसे बनेगा, कोई अगर लेता है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी जी। तो अभी अगर आप बोले एक साइड हल्का होगा एक साइड भारी होगा, उसमें तीन ब्रीडिंग में एक बच्चा बहुत अनोखा निकल गया, बाकी बच्चे हल्के निकल गए, तो उसमें प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। इसमें जैसे प्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि आप पहले ऑलरेडी देख चुके हैं जनरेशन, तो इसमें बता सकते हैं कि नहीं आगे चल के बच्चे कैसे बनेंगे, उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा हल्का फीमेल में अच्छा बन गया तो वो भगवान की मर्जी, बट वैसा बहुत 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 कम होता है कि अगर मेल अच्छा यूज़ करते हो, फीमेल मैंने नॉर्मल यूज़ करते हो, तो बच्चा बहुत ऊपर क्वालिटी का नहीं निकलता है। लेकिन हल्का भारी तो समझ लिया, ठीक है, लेकिन सर बहुत सारा जगह में, मैं पर्टिकुलर किसी एरिया का नाम नहीं ले रहा हूँ, कल्चर और फॉर्म का सर मैच हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल, सर बिल्कुल। वो सर वो क्या नाम दिया जाए वो बच्चे का, तो उसका सर सारा कुछ अगर वो डिसबैलेंस रहेगा तो उसका तो सारा कुछ ही सर डिसबैलेंस रहेगा। बिल्कुल, वो कोई भी एंगल से आपको, आप उसको पोमरानियन नहीं बोल सकते हैं, उसको आप कल्चर बोल सकते हैं, उसको आप मिनी स्पिट्स बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, बट पोमरानियन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप जो अभी देखे मेरे फीमेल्स देखे, अगर ये क्वालिटी का फीमेल्स आप देखेंगे, तो आप अगर मेल देखना चाहेंगे तो मैं अभी लाके आपको मेल भी दिखा दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी, क्योंकि फोकस यहाँ पे फीमेल्स को दिया जाता है, जितना अच्छा फीमेल्स यूज़ करो उतना अच्छा ब्रीडिंग करो। तो नॉर्मल क्या होता है, स्पिट्स लाके कोई इंपोर्ट मेल से मीटिंग करके उसमें बच्चा क्या निकलेगा, आप मुझे बोलिए, उसमें स्पिट्स आप बोलेंगे कि कल्चर बोलेंगे, आपको भी नहीं पता उसको क्या बुलाने का, मुझे भी नहीं पता क्या बुलाने का। बचपन में बहुत क्यूट दिखेगा, ये लोग लिखेंगे कल्चर इंटू इंपोर्ट, फिर जब 3-4 महीना हो जाएगा तब जो बच्चा खरीद के लेगा वो बहुत, उसको एक डिस्ट्रेस फील होता है, चीटेड फील होता है, बहुत ख़राब लगता है उसको। तो सर सस्ता और सुंदर के पीछे अगर भागेगा तो उसका मतलब एक्सीडेंट, देखिए जैसे कि अभी लोग बहुत बहुत शौक हो जाते हैं जब प्राइस हम उनको उनको वो एक फेसबुक से निकाल के आपको फोटो भेजेंगे ये क्वालिटी का चाहिए, बट जो प्राइस बोलते हैं वो स्पिट्स का भी प्राइस अभी पेट शॉप्स में नहीं मिलता है। तो लोगों को भी समझना है कि जब कोई इंपोर्ट बाहर से कर रहा है, ब्लड लाइन में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्वालिटी के हिसाब से चार्ज करेगा ना। ये पेट शॉप वाला तो नहीं है स्पिट्स 30,000 का सेल करना, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर कोई बोथ साइड इंपोर्ट आपको दे रहा है कि कोई चैंपियन लाइनेज का आपको दे रहा है, तो ये प्राइस में तो इम्पॉसिबल है। और सर प्राइस तो ऐसे नहीं बनता, एक एक फादर मदर का तो कॉस्टिंग अलग है, उसका मेंटेनेंस का है, ठीक है, तो सारा कुछ जोड़ के एक प्राइस बनता है, उसके बाद ही आप लोग एक प्राइस कोट करते हो। बिल्कुल। तो सर आपके पास तो बहुत सारे मेल भी है फीमेल भी है, तो सर आपके पास कौन आपका कौन कौन लाइन का मेल या फीमेल बोलो पसंदीदा है आपका? अभी मेरे पास तो काफ़ी सारा ब्लड लाइन्स का हो गया, जैसे कि मेरे पास अभी फ्लूक पोम ब्लड लाइन का है, सैंटना पोम्स ब्लड लाइन का है, परसीमून कैनल ब्लड लाइन का है, लिंचन 10 है, चावलिया है मेरे पास, और एक ड्रीम है इंपोर्ट करने का लेनेट पोम से, लेनेट से और संटेरा से, वो मेरा ड्रीम है। और फिलहाल जो ब्लड लाइन्स के हैं तो वो ब्रीडर को भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो उनके बहुत इतने बेहतरीन ब्लड लाइन्स मुझे सौंपे। अच्छा, और सर एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखे ख़त्म करेंगे, आप क्या बाहर में स्टार्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो क्या? नॉर्मली नहीं, बट जो 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 जान पहचान है, जो निजी ज़िंदगी में थोड़े से क्लोज हैं, तो उनको मना नहीं कर सकता, बट नॉर्मली बाहर स्टार्ट नहीं देता मैं। मतलब प्रॉपर अगर ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, अच्छा फीमेल हो, तभी आप कंसिडर करूँगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो जो व्यूअर ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर प्रॉपर आपको पोमेरानियन चाहिए FCI स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आप राहुल सर से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एंड नीचे में सारा नंबर दिया रहेगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और आपके पास अगर अच्छा फीमेल है, तो सर ये कोई मतलब वादा नहीं कर रहा है कि आपको स्टार सर्विस प्रोवाइड होगा आपके लिए, ये कंसीडर कर सकता है आपको, अगर अच्छा लगे आपका फीमेल तब जाके आपका फीमेल
कस्टर्ड सर्विस मिल सकता है सर से, क्योंकि नील जी आपको पता है ये मेरा ब्रेड बटर नहीं है, ये मेरा सिर्फ एक पैशन है, शौक है जी जी। तो मैं जितना चाहता हूँ कि ब्रीड स्टैंडर्ड को और ऊपर किया जा सके, तो अगर बहुत अच्छा फीमेल है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू।